कोलकाता नगर निगम के चुनाव के बाद आज जीते हुए काउंसिलर्स ने वार्ड काउंसिलर का शपथ लिया। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 62 से दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली, जिन्हें बोरोछे का चेयरपर्सन भी बनाया गया है, हम बात कर रहे हैं सना अहमद की। वार्ड काउंसिलर के रूप में दूसरी बार शपथ लेने वाली सना अहमद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जिम्मेदारी जो है अब बढ़ गई है और मेहनत करना है। हम लोग तो दीदी के सिपाही हैं, दीदी के सिपाही थे हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसे ही हम लोग काम करेंगे और मेहनत करना है। आवाम, हमारे पार्टी का मोटो यही है कि लोगों के बीच रहना है, आवाम के साथ रहना है, उसी चीज़ को हम लोग को कंटिन्यू करना है। कल तक एक वार्ड की काउंसलर थी, अब एक बोरो की बन गई है चेयरपर्सन, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 10 वार्ड आते हैं हमारे इसमें, तो उसमें जितना भी डिपार्टमेंट का काम है उस पर चेक रखना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी बखूबी निभाने के लिए इसको। इकबाल अहमद की जो लेगेसी है क्या उसको कैरी कर रही है? देखिए, ये मेहनत है, इसमें काम भी लगता है, सिर्फ लेगेसी नाम से नहीं होता, मेहनत भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, परफॉर्म भी करना पड़ता है। उनका तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हम सब के ज़िंदगियों में, हमारे वार्ड के लोगों के ज़िंदगियों में। आगे चल के मैं भी लोगों के काम आना चाहती हूँ। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बोरो में? वही है, 10 वार्ड है, उनमें जितना भी डिपार्टमेंट्स का काम है उसको आपको दमाग रखना है, देखना है कि किसी भी काउंसलर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसी तरह का काम को कंटिन्यू करना है। 2015 में उस वक्त आपका मार्जिन इस बार बड़ा है। जी हाँ, रीज़न यही है, 2000 लोग और मुझ पर विश्वास किए हैं, वही रीज़न है। और मेहनत है, काम है, वार्ड में लोग खुश हैं, आवाम खुश है, और अगर लोग खुश हैं ये तो अपने आप वर्कर्स है, उनके लिए क्या बोलेंगे? वही मेरे बैकबोन है, वही मेरे सपोर्ट सिस्टम है। आज वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, उनका ही मेहनत रहा है। आपकी पार्टी में लेडीज़ को जो महिला है उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण पर क्या बोलेंगे? डेफिनेटली, और देना चाहिए भी, बिकॉज दीदी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि दैट वुमेन कैन बी बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो दीदी वो समझती हैं, इसीलिए आज देख सकते हैं कि 10 बोरो चेयरमैन चुनी गई हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन। तो नया चैलेंज मिला आपके लिए, क्या चैलेंज है या आप? नहीं, मैं काम से पीछे नहीं भागती, मैं अपना 100% देती थी, अब मैं अपना 500% दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।